दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए और कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो उसके लिए घंटी को दबाइए। तो दोस्तों, आपको जैसे पता ही है कि हम इंडियन डॉग्स के लिए एक सेक्शन कर रहे हैं कि इंडियन डॉग्स के बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी मिले और ज़्यादा लोगों को पता चले इनके बारे में, क्योंकि ये जितनी भी ब्रीड्स हैं उनकी जो एग्जिस्टेंस है, मतलब जो उनकी महत्वता है, वो ख़त्म हो रही है पूरे इंडिया में। लोगों को पता ही नहीं है कि ये कैसे भी डॉग्स हैं जो इंडियन ब्रीड्स हैं। लोगों को सिर्फ लैब्राडोर के बारे में पता है, कोई भी फॉरेन कंट्री के डॉग्स के बारे में पता है, लेकिन इंडियन डॉग्स के बारे में नहीं पता। तो इस बार की जो वीडियो है वो है बकरवाल डॉग या कश्मीरी शीप डॉग। बकरवाल इसका नाम ऐसे पड़ा है क्योंकि जो इनके हैंडलर्स थे वो एक ट्राइब से ताल्लुकात था इनका, मतलब वो बकरवाल ट्राइब थी। वो जैसे नोमैड्स नहीं होते, जैसे जो इधर जैसे एक जगह कश्मीर में इधर रहेंगे, जब कहीं और फसल होगी तो वहाँ चले जाएंगे, तो उन्हें नोमैड्स बोले जाते हैं, मतलब जिनकी कोई जगह नहीं है। तो ये उनके पास हैं, उनकी शीप्स को, उनके जो लाइवलीहुड है उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए बकरवाल तभी नाम पड़ा। जो इसका कोट है वो बहुत डबल लेयर का कोट है, तभी ये ठंडी जगहों पर जैसे जम्मू कश्मीर की एरियाज़ में पाया जाता है और वहाँ के लिए ठीक है। ये अब ओनर पे डिपेंड करता है कि कैसे इसके बाल रखेंगे, छोटे या बड़े। अब जैसे मैं बता चुका हूँ, ये बहुत ही एंशियंट ब्रीड है और जो स्टेट्स में पाई जाती है वो सिर्फ जम्मू कश्मीर ऑफ इंडिया और बकरवाल और गुज्जर ट्राइब्स जो होते हैं, जो नोमैडिक ट्राइब्स होते हैं, उनके पास ये होता है उनकी लाइवलीहुड को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब एज पर इंडियन कैनन क्लब, ये इसकी जो रैंकिंग है वो है 5th पोजीशन पे है यह ऑल ओवर इंडियन रैंक में। और जो इसका ओरिजिन है वो इंडिया का है, बता ही चुका हूँ, जम्मू कश्मीर से इसके ताल्लुकात है। अब टेम्परमेंट की बात की जाए तो बहुत लॉयल है, बहुत प्रोटेक्टिव है, रगिड है, रगिड मतलब बहुत जुझारू तरीके से काम करेगा, सीरियस है, करेजियस है, फीरियस है। देखिए, जो डॉग प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड के लिए काम आता है वो थोड़ा सीरियस भी होता है, थोड़ा करेजियस भी होता है, फिरोशियस भी होता है। अब कलर की बात करी जाए, कलर इनका ज़्यादातर ब्लैक या ब्राउनिश कलर में होता है, टैन कलर जिसे बोलते हैं, ट्राई कलर्स में आते हैं ये बहुत ज़्यादा। अब बात करते हैं इनकी लाइफ स्पैन की, तो 12 से 13 साल की उम्र तक ये जीते हैं, जो थोड़ा कम माना गया, एवरेज से थोड़ा कम है। वैसे हर डॉग की एवरेज एज 15 मानी गई है, लेकिन अलग अलग सेक्शन में उनके जहाँ वो रहते हैं उनके हिसाब से ये जो एज है कश्मीरी शीप डॉग की, बकरवाल डॉग की, ये बहुत ही सही मानी गई है। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो अमेजिंग फैक्ट्स ऑन बकरवाल डॉग या कश्मीरी शीप डॉग। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल एनिमल चैनल हिंदी को सब्सक्राइब करिए। तो थैंक यू दोस्तों।